तो यहां पर बता रहा पैसिव इनकम के बारे में। इनकम दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। किसको मिलती है? मुकेश अंबानी। इसने क्या किया, आज से चार साल पहले, पांच साल पहले एक नेटवर्क बिछाने का काम किया। टाइगर नेटवर्क, टाइगर नेटवर्क सिम का चार साल पांच साल खूब पैसा खर्च किया। काय में खर्च किया? ये टावर बिछाने में, केबल लगवाने में, मजदूरों को देने में, इसमें उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया। पांच साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किया। कितने खर्च किया? 2000 करोड़। कितने साल में? पांच साल में। पांच साल में इसने 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। एक रुपया आया होगा उस समय क्या? नहीं आया। फिर भी 1% भी अफसोस नहीं हुआ, फिर भी 1% भी अफसोस नहीं हुआ यहाँ पर करने के बाद में। इधर तो 3 महीने आरसीएम का सामान ले लिया, 3000 का सामान ले लिया मैंने। छोटी सोच था, छोटी सोच है कि हमने 3000 का सामान क्या ले लिए। हम सोचते हैं कि यार हमने सब कुछ कर लिया, परंतु इसने धैर्य रखा। उसी धैर्य रखने का नतीजा है कि आज जो है पूरे का पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें कि 40 करोड़ यूजर है, 40 करोड़ यूजर है, तो इस 40 करोड़ यूजर में अगर 200 का रिचार्ज करवा रहे हैं तो सोचो साहब, 4×8 8000 करोड़ रुपए होता है एक झटके में, क्योंकि 5 साल का धैर्य किया। हमसे धैर्य किया ही नहीं जाता है, 3 महीने आरसीएम किया नहीं जाता है, पैसे नहीं है तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। इसी का कारण यह है कि लगभग 90% लोग होते हैं जो इस बिजनेस में आके 3 से 4 महीने के लिए टिकते हैं, टिकने के बाद छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं आरसीएम खराब, नेटवर्क मार्केटिंग खराब, ये खराब, वो खराब। 3 से 4 महीने का लोग समय नहीं दे पाते हैं, जबकि उधर पीए किए 3 साल खराब। अरे खराब इसलिए बोलो, डिग्री लेके घूमे कई लोग। एमए किए और 2 साल खराब। ये कॉम्पिटिशन की तैयारी में 3-4 साल और खराब, और साथ में माओ के पैसे भी खराब। इधर तो 1 रुपया खराब नहीं किया पर देखते खराब, क्योंकि उन लोग छोटी सोच के इंसान है। सिर्फ आपको 2 मिनट में सोच के बारे में बताता हूं कि दुनिया में चार तरह की सोच वाले इंसान होते हैं। पहला अति गरीबी सोच। अब सर ट्रेनिंग पीरियड हमारा चालू हो गया है, अब केवल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ ना। अब नेक्स्ट स्टूडेंट वाले जो थे वो लगभग जाना चाह जा भी सकते हैं, केवल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, कि पता नहीं बार बार चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पर सर मैं सोच बता रहा था यहाँ पर आपको कि सोच चार प्रकार की होती है। मुझे अति गरीबी सोच, मुझे माफ करना मैं अति गरीबी लोग नहीं बोल रहा हूँ, अति गरीबी सोच, है ना। कोई गरीबी को लोग पूरा मान जाए, मेरे को गरीब बोल के भाग गया क्या नंबर ढूंढो यार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, अति गरीबी सोच। अति गरीबी सोच क्या होती है कि मैं सुबह से काम किया, शाम तक मेरे को पैसा चाहिए। उदाहरण के तौर पर सुबह काम किया, सुबह शाम तक पैसा चाहिए। अति गरीबी सोच, अति गरीबी सोच होगी। दूसरा होता है गरीबी सोच। गरीबी सोच क्या बोलती है कि मेरा काम किया साहब शुक्रवार से लेकर के अगले शुक्रवार तक, अब शनिवार को हर हाल में पैसे चाहिए, अपन 1 मिनट नहीं थमेंगे, देर तक कोई नाम की चीजें नहीं, हफ्ता हो गए पैसे चाहिए। जब अति गरीबी, वो गरीबी सोच। दूसरी होती मध्यम वर्गीय सोच। मध्यम वर्गीय सोच क्या बोलती है कि हमने 1 महीने तक काम किए, जैसे ही आई 1 तारीख पैसे चाहिए, बोलते हैं कि नहीं। मध्यम वर्गीय सोच जिनकी 10-15 हज़ार इनकम होती है, बेचारे अगर यहाँ पर 2-4 दिन डिले हो गया तो टेंशन में जाते हैं कि साला ना बिजली बिल कैसे पटाए, इधर का पैसा कैसे पे करें, उधर का कैसे करें। तो ये होती साहब मध्यम वर्गीय सोच। और दूसरी जो होती है यहाँ पर मतलब उच्च वर्गीय सोच, उसमें क्या रहता है, लोग 1 साल के टारगेट पर काम करते हैं कि 1 साल तक कोई पैसा ना आए। जैसे आपने देखा होगा कई लोग स्कूल खोलते हैं, अब स्कूल खोलते हैं तो क्या स्कूल खोलने के बाद उनको तुरंत पैसा नहीं लगता होगा क्या? नहीं, पर 1 साल धैर्य रखते हैं, इसी कारण उनको अच्छा पैसा आता है। और तीसरी होता है अमीरी रेखा वाली सोच, अति अमीरी वाली, जिस पर कौन आते हैं।